गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज ब्लॉग में। दो तीन दिन के गैप के बाद उसका रीजन आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। आज की डेट है 29th of October एंड डे है सैटरडे, यस, शनिवार का दिन दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तारा से तारा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको शानदार इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट और मज़ेदार वीडियोस मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विथ हेडलाइंस। दोस्तों आज सबसे पहले हेडलाइन है कि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है, ये इलॉन मस्क ने बता दिया। और इस बार बहुत ज़्यादा पड़ेगी कपकपी और ठंड। बिल्कुल। सो अब हम न्यूज़ को देखते हैं डिटेल में। दोस्तों 7 साल पहले एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था गोल्ड डिपॉजिट योजना। ये योजना फ्लॉप मानी जा रही योजना, बिकॉज इसमें ये था कि अगर आपके पास जो सोना घर में है वो आप बैंक में रखिए, उससे आपको ब्याज मिलेगा। इससे जो इम्पोर्ट है गोल्ड का वो कम होगा, बिकॉज गवर्नमेंट को एक आइडिया हो जाता है कि इतना सोना है हमारे देश में। सो लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, घर में पड़ा है सोना तो सोना ही घर में पड़ा ही है, वो लोगों ने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो अब ये योजना फ्लॉप की कगार पर आ चुकी है। तो अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो इंडोनेशिया आपको 10 साल तक का टूरिस्ट वीज़ा देने को तैयार है। इन्होंने एक कंडीशन लगाई है ताकि यू नो कहीं ना कहीं इनको टूरिज़्म में थोड़ा सा ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं कि कोशिश कर रहे होंगे। वैसे हर कंट्री ये चेंजेस लाती है कि अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा है तो ही आप हमारे देश में आ सकते हैं। सो US में, अमेरिका में 45% तक लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एक स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया जाए, वो है क्रिश्चियनिटी। वहीं पे आधे से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि राजनीति को धर्म से दूर रखा जाए। तो ये भी अब वहाँ पे चीज़ समझ में आ रही कि वहाँ के लोग भी धर्म को लेकर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, और वहाँ पे धर्म को लेकर रिपब्लिकन पार्टी बहुत ज़्यादा आगे रही है, जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। बिल्कुल। और पाकिस्तान से खबर यह है कि इमरान खान ने ये कहा है कि वो नवाज शरीफ की तरह देश छोड़कर नहीं भागेंगे। उनके पास ISI के कई सारे ऐसे सबूत हैं जिससे देश हिल सकता है। पाकिस्तान पहले से ही हिला हुआ, जब से जिम्बाब्वे से हार गया, भारत से हार गया, अब ये पता नहीं राजनीति में क्या हिलाएंगे। इमरान खान भाई साहब, आपको 5 साल का जो उन्होंने वो लगा दिया था बैन, उसकी छुड़ाने की आप पहले कोशिश करिए। और रही बात राजनीति में झंडा गाड़ने की, तो आपने क्रिकेट में झंडे गाड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉलिटिक्स में भी झंडे गाड़ें। सो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक क्रिकेट का बहुत बड़ा वो माना जाता है, देश माना जाता है, बट वहाँ पे हाल ये है कि पिछले 3 मैचों में 3 वर्ल्ड कप के मैचेस रद्द हो चुके हैं। इतने गंदे ग्राउंड स्टाफ की वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी कि वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड को अच्छे से ढक ही नहीं पाए। इससे अच्छा तो हमारे इंडिया में ग्राउंड को ढक लेते हैं कि 1-2 घंटे के बाद मैच, अगर बारिश बंद हो गई है तो 1-2 घंटे के डिले के बाद एटलीस्ट मैच तो शुरू हो सकता है, वहाँ पे तो मैच रद्द हो गया है, ये क्या बात हुई भाई साहब है। सो जहाँ एक तरफ सरकार ये कह रही है कि बैग लेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने इसको फॉलो किया है, बट अभी भी सरकारी स्कूलों में ये पालन नहीं किया जा रहा है। 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनके कंधे पर 5 किलो तक का बैगेज लादा जाता है, जिसके साथ यहाँ सरकार मुफ्त किताबें बांट रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि साथ में मुफ्त गर्दन दर्द, कमर दर्द और पीठ दर्द भी बांट रही है। तो शिक्षा विभाग को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई इतना, हमने सिर्फ एडमिशन करा दिया, सिर्फ इतना ही नहीं करना है हमें कि इतने सारे बच्चों का एडमिशन हो गया, अब वो प्रॉपर तरीके से पढ़ के बाहर निकले, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यस, और सरकार ही मतलब सरकारी गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रही है, ये तो गजब ही बात है। तो मध्य प्रदेश में इस समय चारों तरफ राजनीति गरमा रही है। जो नेता देखो वो बयान दे रहा है, कोई ये बोल रहा है कि जो ग्वालियर में चुनाव हारे उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सिंधिया जी अब का प्रभाव कम हो गया है, सिंधिया जी अभी भी प्रभावशील नेता है। वहीं पे आदिवासी नेता कुछ और बोल रहे हैं कि हमें इतना ना सताओ कि हम टाटिया मामा बन जाएं। तो उसी तरफ कांग्रेस अपने नेताओं को ये बोलने में लगी है कि आप क्यों हारे क्यों जीते इसका मंथन करें। बिल्कुल। और ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि 2023 आ ही गया है दोस्तों, और चुनाव के मद्देनज़र अब नेता अपनी स्पीड बढ़ा दिए हैं, जैसे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हर नेता अपने लेवल पे कुछ ना कुछ काम करना चालू कर दिए हैं, बिकॉज दे ऑल वांट टू विन 2023 इलेक्शंस। छठ पर्व जो कि उत्तर भारत का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जहाँ पर माताएँ अपने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए खास करके ये व्रत रखती हैं,
36 घंटे का ये निर्जला फास्ट होता है। इसकी शुरुआत अब हो चुकी है और बड़े तालाब में इसकी अलग से व्यवस्था करवाई गई है। हर जिले में इसकी व्यवस्था करवाई जाती है, बिकॉज छठ बहुत बड़े लेवल पे अब धीरे धीरे मनाया जा रहा है। सो जिन माताओं ने छठ व्रत रखा है उनके लिए छठ मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा बढ़िया इंजॉय करें, खुश रहें और आपके परिवार भी अच्छे से। और इसी छठ को लेकर दिल्ली में राजनीति छिड़ गई है, बिकॉज यमुना में पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे जो अर्घ देते हैं सूर्य को वो नहीं दे पा रहे हैं। और जो क्लीनिंग मैकेनिज्म किया है यमुना में उससे बता रहे हैं कि अगर आप पानी में जाएंगे तो आपको बीमारी होने का खतरा है। सो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा उठता है वहाँ के राजनेता अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि इतने साल हो गए वहाँ पे भी एक स्टेबल गवर्नमेंट है और अभी तक आपने यमुना को साफ करने का कोई कदम नहीं उठाया है। बिल्कुल, आप अपने ढिंढोरे तो यहाँ मध्य प्रदेश में पीट रहे हो पर दिल्ली में आपको कुछ नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? और सच बताएं तो केजरीवाल सरकार अब कुछ नहीं काम कर रही है। यमुना नदी, और आप जानते हो कि हर साल मनाया जाता है और हर साल फोटो आती है कि झाग से भरी यमुना नदी में लोग अर्घ दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारे लोग जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो यूजीसी ने साफ साफ अपनी गाइडलाइन कह दिया है कि उनकी पीएचडी मान्य नहीं होगी। तो ऑनलाइन आप पीएचडी ना करें, पीएचडी अगर आपको करना है तो प्रॉपर तरीके से करें। और पीएचडी से ही अगर मुझे आपको की खुशखबरी देनी हो तो हमारे परिवार के सदस्य मिस्टर सितारा भाई साहब का पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है डीएवीवी विश्वविद्यालय इंदौर में। तो लख लख बधाइयां भाई जी आपको पीएचडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। यस, सो बहुत जल्दी ये डॉक्टर प्रकाश दुबे अब बन जाएंगे। यस, सो ठंडी की बात करें तो इस साल सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जितनी भयंकर बारिश हुई है उतनी ही भयंकर ठंड भी पड़ने वाली है और मध्य प्रदेश में 6 नवंबर मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ना चालू हो जाएगी। वहीं उसी तरफ कश्मीर में भी बर्फबारी चालू हो गई, सब ठंडी की सुड़सुड़ाती हुई हवा आपके कानों और आपके नाक के अंदर घुसना चालू हो जाएगी दोस्तों। और अपने अपने रजाइयां कंबल सब साट लीजिए नहीं तो कंबल के अंदर जब ठंडी हवा घुसती है। यस, सो क्या है आज की लास्ट न्यूज़? लास्ट न्यूज़ ये है कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एलोन मस्क ने जैसे ही ट्विटर पर आधिकारिक तौर पर कब्जा किया उन्होंने साफ लिख दिया बर्ड इज फ्री नाउ, अब चिड़िया आजाद है। और आते ही उन्होंने जो वहाँ के जो सीईओ थे मिस्टर पराग और एक और जो वहाँ पर काम करती है विजया गाडे, इनको आते ही निकाल दिया। सो आप कोई भी पद पे हो जो ऑनर है वो ऑनर की तरह ही रहेगा, इट शोज। और दुनिया भर में बहुत सारे जो गंभीर मुद्दे थे उनमें कई बार ट्विटर आपको ब्लॉक कर देता था, जो लोग हैं अपनी बात खुल के कह नहीं पा रहे थे, इन्हीं सब बंदिशों को हटाते हुए उन्होंने ट्विटर को फ्री कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कई लोगों के अकाउंट कितने कई लोगों के अकाउंट ब्लॉक हैं तो उम्मीद करते हैं कि अनब्लॉक हो जाए भाई, बिकॉज ट्विटर बहुत पॉलिटिशियंस फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करते ही होंगे और आप हमें भी फॉलो करिए। इसी के साथ अब ये यहाँ पर वीडियो लोग एंड करेंगे। इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए। डेली न्यूज़ ब्लॉग अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए और हमारे साथ जमे रहिए। आने वाले कुछ दिन में आपको बहुत सारे बेहतरीन ट्रैवल ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो विद दिस थैंक यू सो मच, नमस्ते।